स्वास्थ्य सुख और समृद्धि का आधार है भक्तामर स्त्रोत। रोगों विकारों और बीमारियों ने जिस प्रकार पैर पसारे हैं, हर कोई उसके कारण परेशान है। सभी सुख समृद्धि और शांति की चाह रखते हैं, अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। इस दौर में जहां व्यक्ति की सकारात्मक ऊर्जा घटी है, वहीं ऐसे समय में एक ऐसा स्रोत है जिसके प्रत्येक काव्य के जप में व्याधियों का उपचार छुपा हुआ है। जीवन में सुख शांति और समृद्धि की राह छुपी है और जो सकारात्मक ऊर्जा का भरपूर स्रोत है। आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा स्रोत है। ये स्रोत जैन धर्म का आधार स्तंभ भी है, इसे सामान्यतः सभी जानते हैं। ये है भक्तामर स्रोत। 7वीं शताब्दी में राजा भोज के शासनकाल में एक जैन संत हुए आचार्य मानतुंग, उन्होंने ही इस 48 काव्य वाले भक्तामर स्तोत्र की रचना धार नगरी में कारागृह में रहकर की थी। इसके प्रत्येक काव्य श्लोक, मंत्र और रिद्धि मंत्रों का जप मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रोगों का उपचार करने में सक्षम है। यही नहीं, ये सुख समृद्धि और शांति प्रदायक भी है। प्रत्येक मनुष्य इस स्त्रोत के सुमिरन और पाठ से स्वयं को रोग मुक्त, क्षोभ मुक्त रखकर समृद्धता के साथ जीवन के मूल लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर हो सकेंगे, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का विस्तार कर सकेंगे।
Niche.
नैवं तु काच शकले
Thank you.
Oh.
Yes.